रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 81 पे आ जाइए आप सब बच्चे। और पेज नंबर 81 पे मेरे पास जो टॉपिक है वो है दैट इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन कैसे होता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। वन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस, वाटर इज फॉर्म्ड विच इज लिक्विड। जब हाइड्रोजन गैस हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास वाटर बनता है, और वाटर क्या है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, जबकि वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर केमिकली कंबाइंड। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जितने भी हैं वो बहुत आपस में बहुत ज़्यादा केमिकली कंबाइन हुए हुए हैं, मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। विच इज़ वाई इट्स प्रॉपर्टी आर एंटायरली डिफरेंट, जिसकी वजह से वाटर की और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ को सेम है। अब वो कह रहे हैं हाइड्रोजन की सब वो बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए रिएक्टेंट के अंदर दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के अंदर एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है, ठीक है। हम लोग वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन ऑन द बोथ साइड बिकॉज एटम डू नॉट डिसअपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है दूसरी तरफ, क्योंकि एटम जो है वो रिएक्शन के दौरान डिसअपेयर नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा, H2+O2 गोज टू H2O है ये, ठीक है। तो मुझे यानी कि यहाँ पर दो टू लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टू ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 4, तो ये हमारे पास इस तरह से करके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2 2 4, 2 और यहाँ पे 1 2 1 2 और ये 2 1 2। ये देखिए ये दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, ठीक हो गया जी। ये इस तरह से करके हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। मैनी केमिकल रिएक्शन आर यूजफुल बिकॉज वी यूज देम टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, हाउस होल्ड क्लींजर, मेटल एंड इवन द सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट दम। अब वो कह रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन यूज हो रहे हैं, हम लोग मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब वो केमिकल रिएक्शन हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग प्लास्टिक जो है वो भी केमिकल रिएक्शन से मिलकर बन रही है, मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये हमारे पास सारी जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास टाइप मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब यही है कि हमारे पास केमिकल आपस में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड द रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, यानी कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, जैसे C+O2 गोज टू CO2। देखिए दो रिएक्शन मिलकर एक बना रहे हैं तो इसको हम लोग कह देते हैं एडिशन रिएक्शन, कह देते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक ही बन रहा हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोज टू 2HCl है, ये इसके अंदर प्रोडक्ट एक ही बना, तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से फिर आगे आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लीजिए। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की, ठीक हो गया जी। मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न होता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड द रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब इनके हमारे पास, जब हमारे पास रिएक्टेंट एक हो, रिएक्टेंट देखिए ऐसे हो, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट हो वो दो हो, ठीक है, रिएक्टेंट सिर्फ एक हो, चीज़ रिएक्ट सिर्फ एक चीज़ हो रही हो और रिजल्ट में उसके पास दो प्रोडक्ट बन रहे हो, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जिसमें से वो कह रहे हैं पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ, उसके अंदर वो टू वो उसके अंदर रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो 2KCl हो गया और प्लस 3O2 हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। वेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड इट चेंज फ्रॉम अ ग्रीन पाउडर टू अ ब्लैक पाउडर, द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक डाउन टू ब्लैक कॉपर कार्बोनेट एंड कलरलेस कार्बन ऑक्साइड। वो कह रहे हैं कॉपर कार्बोनेट जब हमारे हमने हीट किया, ठीक है,
तो वो उसका कलर ग्रीन कलर से ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो गया। सिर्फ और सिर्फ अभी रिएक्ट कौन हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट हीट हो रहा है जी। ठीक है, अब वो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो रिजल्ट में हमारे पास बनेगा, हमारे पास द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक डाउन टू ब्लैक कॉपर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इंटू कॉपर, रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगा। ये बल्कि लिखा हुआ भी है, कॉपर कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इंटू कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट कितने हो गए, दो। ठीक है, ये इसके जनरल फार्मूला आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ए बी गोज टू ए प्लस बी। ठीक हो गया जी, ये ऐसे करके ये रिएक्शन हो रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास, एडिशन रिएक्शन इसका ऑपोजिट था, जबकि जिसके अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और दो प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग कम्बीशन रिएक्शन के बारे में। कम्बीशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्न एंड अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अ कम्बीशन रिएक्शन अकर। यानी कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ है वो बर्न हुई है, उसके अंदर बर्निंग हुई है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ बनी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास कम्बीशन रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर बर्निंग इंपॉर्टेंट है, बर्निंग होनी चाहिए। ऑक्सीजन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन उसका अंदर प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन ज़रूर होना चाहिए। ठीक हो गया जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं हमारे पास मिथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक है, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूर प्रोडक्ट में आना चाहिए। ठीक है, CH4+2O2 गोज टू CO2 प्लस 2H2, ये प्रोडक्ट में न्यू चीज़ भी बन गई और ऑक्सीजन भी बना। ठीक है, तो ये हिसाब से आ गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट थ्री थिंग्स आर नीडेड फॉर बर्निंग और कम्बीशन टू अकर, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें इसके अंदर कम्बीशन रिएक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज कम्बीशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके पास, नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ तो कोई भी क्यूरी हो तो आप सब मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों को जवाब देने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ हूँ याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरा आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआ हूँ याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।